इंग्लिश क्लास क्लास रहेगा प्रेपोजिशन का इंट्रोडक्शन का। तो कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किए हैं सर प्रेपोजिशन का जो इंट्रोड्यूस हुआ है और एक बार उसका क्लास करा दीजिए। जी बिल्कुल, माने प्रेपोजिशन को हम पहचानेंगे कैसे, जैसे लास्ट क्लास में बोला था प्रेपोजिशन को हम पहचानने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हमको हेल्प करेगा, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता चुका था। आज एक बार इंट्रोड्यूस कर लेंगे, है ना। इंट्रोड्यूस तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी हो चुका है। तो आज का क्लास जो है प्रेपोजिशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन हमको इंट्रोड्यूस करेगा, है ना। तो पहले पहचानते हैं ये प्रेपोजिशन है कि नहीं। मैं कभी भी नहीं बताया हूँ कि इन, ऑन, एट ये प्रेपोजिशन ही है, ऐसा तो हो जाने से ये रट्टा हो जाएगा, तो इसको हम समझ नहीं पाएंगे ना। समझ आपको, आपको क्या करना है, ध्यान देना है ये प्रेपोजिशन क्यों है, क्योंकि ये तो दूसरा प्रॉपर्टी भी ले सकता है। तो प्रेपोजिशन चार पाँच प्रॉपर्टी लो के भी होता है ना। तो पहले समझना है ये जो चीज लिखा गया है यही प्रेपोजिशन है। जानेंगे कैसे, जो क्लास में हम लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किए थे उसको आज फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। माने कहाँ कमी रह गया, जो समझ में नहीं आया, या जो स्टूडेंट समझ नहीं पाए कि क्या बोला गया था, ये ध्यान देना है ना। देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन है बोलकर जानेंगे कैसे, फास्ट प्रेपोजिशन है बोलकर हम तब जानेंगे अगर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर, ध्यान देना। जब हाँ प्रेपोजिशन अगर है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट होना ही होना है। हाँ, और एक बात माने मैं वॉइस क्लास में बताया था, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट सिर्फ और एक चीज में रहता है, वो हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांजिटिव वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, दूसरे जगह में आ नहीं सकता। तो हम ट्रांजिटिव वर्ब को जरा छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए। हाँ, हम यहाँ पे जरा कंसिडर करते हैं प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होना ही होना, मतलब आना ही आना है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रेपोजिशन है ही नहीं, क्या है नहीं जानता, बट ये जानते हैं कि प्रेपोजिशन है नहीं। क्लियर, बस। तो और एक यहाँ पे कॉलो करता है ऑब्जेक्ट, बोले जानेंगे कैसे। ऑब्जेक्ट तीन चार तो चीज को लेके समझेगा ना। अगर ऑब्जेक्ट है जानेंगे कैसे, नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेश होना चाहिए, सब एक साथ होंगे क्या। हाँ, ये ध्यान देना। और क्या होना चाहिए, जेरन, GERUND। जेरन माने क्या है, भार फोर, जो कि वर्ब भी है नाउन भी है, इसलिए हम उसको बार बार नाउन भी बोल सकते हैं। ये तो डेफिनेटली जेरन का क्लास भी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप डेफिनेटली करेंगे, नहीं तो जानेंगे कैसे, ये तो है ना। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना ही आना है। ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, उसके बाद वही जो चीज है, एक नाउन होना चाहिए तो जाके ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन होना चाहिए तो जाके ऑब्जेक्ट है। जेरन माने क्या, भारपूर, लेकिन भारपूर भार भी होता है ना, लेकिन ये नाउन का काम करता रहेगा तो जाके हम जानेंगे जेरन है। ये देख लिया। और एक है नाउन फ्रेश। नाउन फ्रेश क्या है, आज हम छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, मैं समझेंगे ये नाउन फ्रेश है बोलकर, क्योंकि प्रेपोजिशन के साथ हम नाउन फ्रेश, एडजेक्टिव फ्रेश, एडवर्ब फ्रेश, उसका बहुत बड़ा रिलेशन रहेगा। ये मैं एक ही साथ समझाऊंगा, डेफिनेटली समझ पाएंगे, इजी है ना, सिंपल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो समझ में नहीं आएगा ना। तो प्रेपोजिशन है बोलकर कैसे जानेंगे, प्रेपोजिशन के बाद में एक नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए और एडजेक्टिव हाँ बिल्कुल होना नहीं चाहिए। नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेश या जेरन, यही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रेपोजिशन टू ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन। ओके, क्लियर। ये तो हो गया हमारा प्रेपोजिशन की बात की बात। प्रेपोजिशन के बाद में ये सब रहना ही रहना है। ओके, अगर ये आफ्टर है, बिफोर में क्या रहेगा ये भी जानना है। हाँ, प्रेपोजिशन के पहले क्या रहना चाहिए, प्रेपोजिशन के पहले हमारा क्या बोला था इंट्रोड्यूस क्लास में, हाँ कुछ समझ में नहीं आया था, कुछ बाकी रह गया वो भी ध्यान देना है। क्यों समझ में नहीं आया, ये तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे, तो ये फिर और एक क्लास करना पड़ेगा, क्लास की चिंता नहीं, क्लास करेंगे, बट यहाँ पे क्यों समझ में नहीं आ रहा ये ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या होगा तो जानेंगे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का पहचानेंगे ना। बस बिफोर में क्या होना चाहिए, हाँ या भार या एडजेक्टिव, ये भार और एडजेक्टिव बताएगा कि ये प्रेपोजिशन है। ये क्या बताएगा, हाँ माने ये जो प्रेपोजिशन है ये पोजिशन को बता रहा है, ये हमको माने डिटरमिन करेगा जो प्रेपोजिशन यूज किया गया है, ये इसके लिए यूज किया गया है, ये घर में है, डायरेक्शन में है, टाइम में है, लोकेशन में है, ये सब ही तो बताएगा ना। तो कौन कौन सी चीज इंपोर्टेंट है,
प्रेपोजिशन के आगे जितना इंपोर्टेंट है पीछे इतना इंपोर्टेंट है, तो दोनों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम कोई एक चीज को भी करते हैं प्रेपोजिशन गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना दोनों को करना है, ये तो काम नहीं आएगा। इधर क्लियर अंडरस्टूड? तो प्रेपोजिशन, वर्ब एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, जेरंड, इधर क्लियर? बस और एक चीज ना, और एक मैं रिलेशन बताया था उस दिन भी, ये बनाता है नाउन दूसरे नाउन के साथ क्या रिलेशन होता है। प्रेपोजिशन का काम क्या है? एक सेंटेंस में एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन के साथ, एक नाउन का प्रोनाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ होगा? बिल्कुल नहीं, निकल रहा था, एडजेक्टिव के भी नहीं होगा, एडवर्ब के भी नहीं होगा। अगर प्रेपोजिशन है तो रिलेशन किसके साथ बनाएगा? प्रोनाउन के साथ, नाउन फ्रेज के साथ, जेरंड के साथ। क्लियर? और एक चीज, जो पोजिशन रिलेशन बनाएगा वो जानेंगे कैसे, प्रेपोजिशन कैसा कैसा रिलेशन बनाएगा ये भी जानना है। जैसे हम रिलेशन बोल रहे हैं तो रिलेशन में हमारा अंकल है या आंटी है, मामा है या मामी है, तो ये भी जानना है। तो प्रेपोजिशन कैसे कैसे आएगा? प्रेपोजिशन तीन रिलेशन में आता है, एक हो गया लोकेशन का रिलेशन, एक हो गया टाइम का रिलेशन, एक हो गया हाँ। तो ये टाइम, लोकेशन और डायरेक्शन, ये तीन तो चीज ही हमको रिलेशन बना सकता है प्रेपोजिशन, ये भी लिख देते हैं। लास्ट क्लास में लिखा गया था, तो लास्ट क्लास में जो था यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होगा क्योंकि रीइंट्रोड्यूस है ना, हाँ ये भी है। तो यहाँ से कुछ डाउट है तो प्रेपोजिशन कैसे पहचानेंगे? प्रेपोजिशन के पहले वर्ब एडजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेजर, जेरंड, ये होना ही होना है, नहीं तो ये प्रेपोजिशन है ही नहीं। इन ऑन एड वो बात की बात है, क्यों इन होगा क्यों ऑन होगा ये बात की बात है ना। क्लियर? और हम चले जाते हैं जो पोजिशनल रिलेशनशिप बनाता है, नाउन दूसरे नाउन के साथ, नाउन प्रोनाउन के साथ, नाउन किसके साथ, नाउन फ्रेज के साथ, और नाउन जेरंड के साथ। हाँ यहां दीजिए छोटा सा चीज है, तो ये जो नाउन रिलेशन बनाएगा वही है ना, नाउन रिलेशन बनाता है किसके साथ, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, और किसके साथ, नाउन फ्रेज के साथ और जेरंड के साथ, है ना। बस ये कैसा रिलेशन बनाएगा, माने मम्मी पापा का, पापा मम्मी का, भैया क्या है, भैया बहन बने, भाई बहन का है या पापा मम्मी का, ये रिलेशन दिखना है कौन सी रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ जो रिलेशन बनाएगा तीन ठो रिलेशन बनाएगा, ये एक हो सकता है डायरेक्शन का, प्रेपोजिशन माने डायरेक्शन का रिलेशन बनाएगा, और क्या बनाएगा, हाँ ये टाइम का रिलेशन बनाएगा, और क्या बनाएगा, डायरेक्शन हो गया टाइम हो गया, और क्या, डायरेक्शन टाइम, और क्या बोला था, बिल्कुल लोकेशन का रिलेशन बनाएगा, है ना। तो ये तीनों ही रिलेशन आ सकता है, माने आप उससे मामा मामी बोल सकते हैं, भैया भाभी बोल सकते हैं या मामा पापा बोल सकते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो डायरेक्शन का रिलेशन बनाएगा, टाइम का, लोकेशन का, रिलेशन बनाएगा, तीन टो रिलेशन बनाएगा, ये तीन टो, ये तीनों आना चाहिए, दूसरा चीज आएगा तो नहीं। क्लियर अंडरस्टूड? बस तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल में समझते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल देंगे प्रेपोजिशन में, तो क्यों है, क्या है, क्या जरूरी है। हाँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए हाँ ये तो है, वर्ब एडजेक्टिव नहीं होगा तो जानेंगे कैसे, कैसे प्रेपोजिशन हम यूज किया जा रहा है, या आप पूछ प्रेपोजिशन जानेंगे कैसे, इन लगाएंगे ऑन लगाएंगे, ये तो बात की बात है ना, ये तो इंट्रोड्यूस क्लास है। अब हम पहचान रहे हैं व्हाट इट इज, हु एम आई, व्हाट एम आई, मैं कैसा हूं नहीं बता रहे, प्रेपोजिशन क्या है ये जानना है, इंट्रोड्यूस है ना। बस तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे लिख लिया यहाँ आकाश, आकाश इज वाचिंग टेलीविजन इन द रूम, ओके। तो यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक है प्रेपोजिशन का, ये हमको जानना है प्रेपोजिशन है कि नहीं, ये तो जानना है प्रेपोजिशन है कि नहीं ये जानना है, तो ये रिलेशन किसका बनाएगा, बस ये जो आकाश है ये रूम की, ये एक नाउन दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बना रहा है, ओके। ये एक भी नाउन है, ये भी एक नाउन है ना, तो रिलेशन बना दिया।
प्रीपोजिशन के बाद नाउन होना ही होना है, ऑब्जेक्ट होना ही होना है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर? बस तो ये जो नाउन है ये क्या है, ये भी तो जानना है ना। अगर ये नाउन होगा, नाउन के पास एक डिटरमिनर होगा, हो गया। तो ये इन क्यूब है, समझे, रूम क्लोज सर्फ है, क्लोज सर्फेस है, इसलिए इन लगाए। ये तो क्यों लगाए बात की बात है, वैसे ये प्रीपोजिशन है ना, क्योंकि उसके बाद नाउन है, इसके बाद पहले वर्ब है। नाउन के साथ रिलेशन कौन बना रहा है, वर्ब बना रहा है, नाउन भी बना रहा है, दोनों की जरूरत है ना। बस तो ये जो नाउन है ये क्या है, नाउन के पहले क्या रहता है, डिटरमिनर, इतना है। और हम मिला देते हैं किसको, ये जो नाउन और डिटरमिनर को, नाउन और डिटरमिनर, डिटरमिनर क्यों जरूरत है, क्योंकि नाउन के साथ डिटरमिनर होना ही होना है, ये तो सेंटेंस वैसलेस है ना। तो नाउन और डिटरमिनर मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेश। ध्यान देना, कौन सी फ्रेश हो जाएगा, किसके साथ डिटरमिनर मिला है, नाउन के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये नाउन फ्रेश, पी एच आर ए एस सी, समझे। किस ये दो रूम और ये दो रूम क्या है, दो टो चीज आ गया, क्या है, रूम नाउन है बट द रूम नाउन नहीं है, द रूम नाउन फ्रेश हो गया। क्लियर? रूम क्या है, नाउन में स्पीच है, ये क्या है, डिटरमिनर है, मिल गए तो क्या बोलेगा, फ्रेश। ओके, तो ये प्रीपोजिशन है ना, क्योंकि उसके बाद क्या है, ये नाउन फ्रेश। क्या हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेश हो सकता है, जेरंड हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। बोला हूं, प्रूव हो रहा है, प्रमाण तो जरूरत है, प्रभु जी को भी प्रमाण देना पड़ता है, तो हम क्या है ना, हम चीज क्या है, एनीवे तो ये क्लियर। तो नाउन फ्रेश क्या समझ में आ गया, बेस। अब हम ये जैसे हम ये डिटरमिनर और नाउन को मिला के फ्रेश बना दिए, अब ये प्रीपोजिशन को भी मिला देते हैं, क्या होता है दिखते हैं, वेरी वेरी मच, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहता है ना, एक ही टॉपिक में सब समझ पाएंगे, लेकिन अगर आपको टेक्निकली समझना है तो, नहीं तो रटेंगे तो प्रॉब्लम होगा, हजार वर्ड है कैसे समझेंगे, ये मुश्किल है। नहीं रट्टा मार के हम चार पांच टो वर्ड तो माने टुक्का मार सकते हैं, बट ये हर वर्ड नहीं, अनुमान लगा के कुछ भी नहीं किया जा सकता, हमको समझना है। और जो हम है स्टूडेंट, हम स्टूडेंट लोग का एक दिक्कत है कि हम पढ़ते बहुत हैं, पढ़िए कम समझिए ज्यादा, ये तो एजुकेशन बोल रहा है, पढ़ने के लिए क्यों 12 घंटा 15 घंटा बोल रहे हैं, क्या पढ़े कितना पढ़े हैं ये ध्यान देना है ना। तो कम पढ़िए समझिए ज्यादा, देखिए हम ज्यादा पढ़ रहे हैं नहीं, ये तो प्रीपोजिशन पढ़ भी नहीं रहे हैं, हम प्रीपोजिशन को पहचानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन है ही नहीं। यस, प्रीपोजिशन तो बहुत सारा है, बार बार में दिखेंगे ना, हम तो प्रीपोजिशन को पहचानने भी नहीं रहे हैं, पहचान भी अच्छे से नहीं चुके हैं, तो पहचानने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। एनीवे तो ये हमारा डिटरमिनर नाम को मिला दिए, फ्रेश बन गया। अब हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन को मिला देंगे, तो ये द रूम हो गया, यहां पे प्रीपोजिशन है ना, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया नाउन, ये हो गया डिटरमिनर, ये हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है नाउन और नाउन फ्रेश, हो गया ना। तो जैसे नाउन और डिटरमिनर मिलकर फ्रेश हो गया, कौन सी फ्रेश, नाउन फ्रेश। प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेश मिलकर क्या हो जाएगा, बस वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जरा ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे छोटा सा चीज में लिख रहा हूँ, देखिए, अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन और नाउन फ्रेश आ जाते हैं तो ये दो टू काम करेगा, कौन सी काम, ये फ्रेश तो होगा नो डाउट, कौन सी फ्रेश है, एडजेक्टिव फ्रेश भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेश भी हो सकता है, जानेंगे कैसे, ये किसके लिए यूज किया गया है। जैसे ये किसके लिए यूज किया गया था, नाउन के लिए तो डिटरमिनर हो गया, ये किसके लिए यूज किया गया है, नाउन के लिए तो प्रीपोजिशन हो गया, समझ में आ रहा है। पर ये जो इन द रूम एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो रूम मिला देंगे तो क्या हुआ, नाउन और डिटरमिनर, नाउन फ्रेश। प्रीपोजिशन के साथ मिला देंगे तो क्या होगा, देखते हैं, ये तो क्वेश्चन है ना। एनीवे तो ये जरा मैं ऊपर में लिख देता हूं, ऊपर में सेंटेंस याद है ना, आकाश इज वॉचिंग टेलीविजन इन द रूम, क्वेश्चन वही है, रिलेशन बना रहे, क्या क्या है ना, क्या हुआ ये, हाँ हर बात ध्यान देना, अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन
प्लस नाउन और नाउन फ्रेश, कुछ भी ना, फ्रेश भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, तो ये दो ठो काम कर सकता है। ये एडजेक्टिव फ्रेश भी हो सकता है और एडवर्ब फ्रेश भी हो सकता है। जानेंगे कैसे, जानेंगे ना, अगर ये नाउन के साथ के लिए काम करेगा तो ये एडजेक्टिव फ्रेश है, अगर भार के लिए काम करेगा तो एडवर्ब फ्रेश है, पर इसको पहचानेंगे ऐसे, पहचानते हैं, समझ लेना। बहुत सारा क्वेश्चन उठता है सर, नाउन फ्रेश किया है, एडजेक्टिव फ्रेश किया है, हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो प्रेपोजिशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, प्रेपोजिशन नाउन डिटर्मिनर, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे और एक इंट्रोड्यूस की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रीपोजिशन को पहचान रहे ना। तो आप जरा आगे चले जाते हैं, ये माना कब एडजेक्टिव फ्रेश होगा, कब एडवर्ब फ्रेश, टाइम को भी देख के, हाँ 15 मिनट्स हो गया, टाइम को नहीं देख के तो काम ही नहीं होगा। हाँ 1 मिनट, ये जो क्वेश्चन देते वही क्वेश्चन को हम पहचानते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेश है या एडवर्ब फ्रेश है या और क्या क्या है। हाँ एनीवे 1 मिनट, ये जैसे हो गया, राकेश इज वॉचिंग टेलीविजन इन द रूम, इतना है ना, इतना तो ये तो प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये क्या है, नाउन फ्रेश, इतना है, ये नाउन फ्रेश बोलकर पहचानेंगे। अगर ओनली रूम होता तो क्या होता, नाउन होता, ये डिटर्मिनर मिल गया बोलकर नाउन फ्रेश हो गया। ओके तो ये जरा लिख लेते हैं, हाँ ये हो गया नाउन फ्रेश, लेकिन हमको इसको साथ मिलाना ना, ये तो द रूम अकेला है, और क्या करेंगे, इन प्लस द प्लस रूम, ये क्या है ये जानना है हमको, और ये एडजेक्टिव फ्रेश भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेश भी हो सकता है, ये ध्यान देना है, लेकिन यहां पे क्या है। ओके बस, तो राकेश इज वॉचिंग टेलीविजन इन द रूम, यहां पे क्वेश्चन उठता है, वो कहां पे टीवी दिख रहा है, वो कहां पे टीवी दिख रहा है, तो हर बार ध्यान देना, अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन अगर आ जाता है वाई में, वेयर में, व्हेन में, हाउ में, हाँ अगर यहां से क्वेश्चन आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब का काम, फ्रेश है कि नहीं ये जरा दिखना पड़ेगा ना, मिलाएंगे ना, एडवर्ब फ्रेश का काम। तो यहां पे कहां खेल रहा है, ये सॉरी कहां दिख रहा है, कहां पे, जगह में, कौन सी जगह में, रूम में, इन द रूम, तो क्या हो गया, ये जो यूज किया गया है, जो इन द रूम है किसके लिए यूज किया गया है, कहां पे दिख रहा है, माने भार का, राकेश वेयर इज वॉचिंग, हाँ वेयर ही इज वॉचिंग, वेयर इज, हाँ वेयर इज वॉचिंग टेलीविजन, तो वेयर का काम कर रहा है किसके लिए, एक्शन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेश, प्रेपोजिशन ही बना रहा है, देखिए प्रेपोजिशन ही मिला रहा हूं मैं, प्रेपोजिशन साथ हम फ्रेश यूज कर रहे हैं, ये नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके तो एडवर्ब फ्रेश क्यों हुआ समझे, क्योंकि भार के लिए आया था, क्यों, ही इज वॉचिंग टेलीविजन। ओके इस तरह का और एक चीज करते हैं, ध्यान दें, हाँ जैसे दी पेन इन द बैग इज माइन, नहीं जा छोटा सा चीज, यहां भी वही है ना, यहां भी वही है, द पेन इन द बैग इज, टाइम कितना हो गया 19 मिनट, द पेन इन द बैग इज माइन, क्या यूज करेंगे, द पेन इन द बैग, यहां पे क्या है पेन, ये क्या है डिटर्मिनर, ये क्या है नाउन, ये क्या हो गया प्रेपोजिशन है कि नहीं, तो ये प्रेपोजिशन हो गया, तो ये क्या है नाउन फ्रेश, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है, तो ये प्रेपोजिशन का काम किया, मिला देंगे तो क्या हो गया, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ और द पेन क्या है नाउन फ्रेश, ओनली पेन क्या है नाउन, समझ में आ रहा है, ओके द पेन नाउन फ्रेश, हाँ यहाँ पे जो द पेन इन द रूम, ये जो है इन द बैग है ना,
ये दिखाना है ना, इन द बैग। बैग क्या है? नाउन। द क्या है? डिटरमिनर। इन क्या है? प्रीपोजिशन। यहाँ पे द बैग क्या है? नाउन फ्रेज। इन को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इन द बैग क्या है बोला था, ये प्रीपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज मिल जाएगा, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या है, ये जो इन द बैग किसके लिए यूज किया गया है? पेन के लिए। पेन क्या है? नाउन है। समझ में आ रहा है? वहां पे भार के लिए यूज किया गया था, इसलिए वो एडवर्ब फ्रेज हो गया। यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? द पेन के लिए, नाउन के लिए। तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। समझे? तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? जो नाउन के लिए यूज किया। एडवर्ब फ्रेज है जो वर्ब के लिए यूज किया जाएगा। फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज क्या है? अगर वो नाउन के साथ मिल जाएगा डिटरमिनर के साथ। ये क्या है? अगर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ जाता है, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन आ जाता है, नाउन या नाउन फ्रेज, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। डाउट नहीं? क्लियर? यहाँ और एक क्वेश्चन है ना, ध्यान देना। यहाँ पे छोटा सा चीज यहाँ पे निकलता है, जैसे सोच लीजिए, हाँ बिल्कुल इस तरह का समझेंगे तो जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं। देखो हजार बार बोलते रहेंगे, रट्टा मार देंगे, कुछ काम नहीं आएगा ना। जो हाँ लिखेंगे कुछ चार पांच ठीक हो जाएगा, जो एग्जाम्पल दिया गया है या मैं जो लिखा रहा हूँ, नहीं तो क्या ना। एनीवे तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सी जम्प्ड डैश द रिवर, ये क्वेश्चन है ना। ये तो पहचान नाम को, नहीं तो काम ही नहीं आएगा। और एक है सी इज स्विमिंग डैश द रिवर, दोनों में तो है हाँ, ये दोनों का काम कर दिया ना। तो यहां पे लिखना है, यहां पे हमको ऑप्शन दे, देखिए ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? डिटरमिनर है। तो मिल जाएंगे तो क्या है? नाउन फ्रेश। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बैस। हमको प्रीपोजिशन की जरूरत है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं? ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल। तो सी जम्प डैश द रिवर, यहाँ पे हम इन यूज करेंगे या इनटू यूज करेंगे या अपॉन यूज करेंगे या अनटू यूज करेंगे, ये भी एक एक प्रीपोजिशन है, समझेंगे ना। तो सी जम्प डैश द रिवर, बिल्कुल सी जम्प डैश द रिवर, वो रिवर को कूदी, रिवर को कूदी, मूवमेंट दे दिया। तो कौन बताया कूदी बोलकर? वार। प्रीपोजिशन क्या है कौन बताएगा? प्रीपोजिशन के पहले की वर्ब एडजेक्टिव और बाद के नाउन या नाउन फ्रेज बताएगा कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे। बाद में क्या है? नाउन फ्रेज। पहले क्या है? वर्ब। क्या बताएगा? इनटू। इनटू क्या है? प्रीपोजिशन तो है, कौन सी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ा देता हूं। इन भी एक प्रीपोजिशन है, टू भी प्रीपोजिशन है, ये डबल प्रीपोजिशन हो गया। डबल प्रीपोजिशन हो जाएगा तो क्या बोलते हैं उसे? कंपाउंड प्रीपोजिशन। पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे, ये पूरा समझेंगे। इनटू क्यों लगा, ये तो बात की बात है हाँ। इनटू प्रीपोजिशन है, आज की बात है। इनटू क्यों लगा, बात की बात है, नहीं पढ़े हैं। लेकिन इनटू क्या है? प्रीपोजिशन है, आज की क्लास है। तो इनटू क्या है यहाँ? कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन ही कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अंडरस्टूड? क्लियर? और एक बार तो यह इनटू क्यों लगा, क्लियर? इनटू क्यों प्रीपोजिशन है? वर्ब और नाउन फ्रेज को मिला के, माने नाउन फ्रेज बाद में आना चाहिए, पहले बार वर्ब डिटरमिन करेगा कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे। या डबल प्रीपोजिशन यूज करेंगे, कौन बोला हमको? वर्ब। अंडरस्टूड? बस। सी स्विमिंग डैश द रिवर, ये देखिए यहां भी रिवर है, यहां भी नाउन फ्रेज है ना। नाउन होता रिवर होता तो नाउन होता, यहां डिटरमिनर ऐड हो गया, बोलकर ये फ्रेज हो गया। इतना है? सी इज स्विमिंग, कहां पे ना रही, तैर रही है, कहां पे? ध्यान दे, कहां पे? सी इज स्विमिंग डैश द रिवर, ये हो गया नाउन फ्रेज, ये हो गया वर्ब। कहां पे तैर रही है? नदी में, है ना। क्या लिखेंगे? नदी में कि नदी के ऊपर? हाँ, इन। ये इन क्या है? प्रीपोजिशन। कौन बताया? नाउन फ्रेज। बात की नाउन फ्रेज, पहले की वर्ब। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सी प्रीपोजिशन है? ये एक ही प्रीपोजिशन है, ऐसे थोड़ी ना, सिंपल प्रीपोजिशन। इन हो गया सिंपल प्रीपोजिशन, हो गया डबल प्रीपोजिशन। क्लियर है ना?
डबल एगा तो उसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन भी बोलेंगे। ओके और एक चीज यहाँ पे और एक बात आ जाता है, कुछ कुछ प्रीपोजिशन वर्ब के साथ मिल के आता है उसको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी बोलेंगे। तो कुछ डबल कंपाउंड प्रीपोजिशन दो दो लिख लेता, टाइम भी हमारा है शायद, हाँ 25 ज्यादा टाइम नहीं है, निकाल देते। समझ में आ रहा है कैसे प्रीपोजिशन को पहचानेंगे? हाँ देखो प्रीपोजिशन यहाँ क्यों यूज किया गया बोला, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन यूज किया क्यों यूज किया गया नहीं बोला मैं, क्योंकि ये इनटू ही क्यों हुआ ये तो बात की बात है, ये प्रीपोजिशन है आज की क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ ऐसा अगर डबल प्रीपोजिशन हो जाएगा या उससे हम डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेश समझे, प्रीपोजिशन के बाद फ्रेश रिलेशन हो रहा है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा इनटू कंपाउंड प्रीपोजिशन With him, clear, और क्या हो जाएगा अपन ऑन टू, ये सब हो जाएगा हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। और भी बहुत सारा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ना, माने ये निकाल, ये पे डबल क्यों होगा ये कौन बताएगा, उसके पहले जो भार एडजेक्टिव यूज किया गया वही बताएगा, ऐसे थोड़े ना होता है। एग्री में क्या लगेगा, अरे एग्री में क्या लगेगा कैसे बता सकते हैं, क्योंकि मैड में भी इन होता है, मैड ऑफ, मैड फ्रॉम, बहुत सारा होता है, क्यों होगा बात की बात, ये प्रीपोजिशन है आज की बात है ना। एनीवे तो वहां पे एक चीज आता है वर्ब के साथ, समझ में आ गया ना, ये वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन ही होता है उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन ना, ध्यान देना ना, ये तो छोटा छोटा नाम लिखा दे रहा हूं, नाम थोड़े ना एग्जाम में पूछेगा ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है, सिर्फ यूसेज पूछेगा, हमको फंक्शन आना चाहिए, फंक्शन हम तो कैसे करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, माने यूज करेंगे हमारा ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है बोलकर बता रहा हूं, क्यों पार्टिसिपल प्रीपोजिशन यूज करेंगे बात की बात है ना, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ओके तो आगे जैसे हो गया रिगार्ड से हम यूज करेंगे रिगार्डिंग, ये क्या है पार्टिसिपल जो वर्ब के लिए भी होता है, कभी एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एडजेक्टिव वर्ब भी होता है ना, वर्ब थ्री तो है बट ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, पढ़ेंगे बहुत फास्ट है हाँ। रिगार्डिंग हो गया इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग हो गया, तो ये सब हमारा क्या आ जाता है, ये होगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, क्यों यूज करेंगे बात की बात। ओके तो जो जो बताया गया तो हम क्या यहाँ पे डिटरमिन हुए, क्या कंक्लूजन पाए, प्रीपोजिशन अगर हमको पहचानना है या प्रीपोजिशन चाहिए तो हमको पहचानना है आगे वाला नाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेश होना चाहिए या जेरंड होना चाहिए, पहले वर्ब या एडजेक्टिव होना चाहिए, क्लियर। जैसे सोच लीजिए यहां पे सी केम इन, ये मैं फर्स्ट में एग्जांपल दिया था ना, और सी वेंट आउट, इन और आउट के लिए प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहां है क्या नहीं, किसके लिए यूज किया गया ध्यान देना है, ये प्रीपोजिशन है ना, उसके पहले क्या है वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ब किसके लिए यूज होता है एडवर्ब के लिए, तो ये क्या हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्यों एंड वर्ब है आउट प्रीपोजिशन है, बिल्कुल नहीं, वो प्लेस का काम किया, तो ये मैं बाद में बताई। और एक चीज है ध्यान देना, कुछ वर्ड या कुछ फ्रेज है जो प्रीपोजिशन के साथ खत्म होता हो ना, जो प्रीपोजिशन के साथ खत्म होता हो उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हैं या बोलेंगे। देखिए मोर वर्ड, मोर देन वन वर्ड ना, लिख देना मोर देन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन वन वर्ड व्हिच एंड्स विद द प्रीपोजिशन, विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन, क्लियर ध्यान देना, मोर देन वन वर्ड, दो तीन ठो वर्ड को मिलके जो होगा वो उसका एंड में प्रीपोजिशन अगर रहेगा तो ही होगा प्रेजेंट प्रीपोजिशन। जैसे सोच लीजिए इन फ्रंट ऑफ, इंस्टीट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, समझ में आ रहा है ये कहां पे हो रहा है खत्म, मोर देन वन वर्ड है, देखिए मोर देन वन वर्ड है, इन और अब एक साथ होता तो कंपाउंड हो जाता, मोर देन वन वर्ड कहां पे खत्म हो रहा है प्रीपोजिशन पे, प्रीपोजिशन पे,
क्या होगा? प्रीपोजिशन आर फ्रेश या फ्रेश प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आर फ्रेश है ना। और एक बात यहां पे आता है, अगर ये प्रेबिल के ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन में खत्म हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेश हो गया, उसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेश हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा एडजेक्टिव या एडवर्ब फ्रेश। कौन सी फ्रेश है ये हमारा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नाउन के यूज करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेश, वर्ब के लिए यूज करेगा तो एडवर्ब फ्रेश। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। तो डबल प्रीपोजिशन लगेगा तो क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। मोर देन वन वर्ड होकर अगर प्रीपोजिशन खत्म होता है तो ये होगा फ्रेश प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अगर नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है या नाउन फ्रेश मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेश या एडवर्ब फ्रेश। ओके, तो प्रीपोजिशन क्या है पहचान लिए हम। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे सिंपल प्रीपोजिशन, माने कहां कहां प्रीपोजिशन यूज करेंगे, माने ये प्रीपोजिशन ही यहां यूज होगा, माने टाइप ऑफ दिखेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेश प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहां कहां यूज करेंगे, ये तो ये क्या है पहचान लिए। फिर हम कल दिखेंगे कैसे यूज होता है, क्या पसंद करता इस तरह का। ओके देन, जो जो पढ़ाई है घर में आप जरा पढ़िए, डाउट होगा क्लास डेफिनेटली करेंगे। क्लास का मतलब ही क्या है, नहीं पढ़ने से नहीं आएगा, मैं हर बात बोलता हूँ। आज जाके घर में देखिए फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव फ्रेश सर क्यों बोले, एडवर्ब फ्रेश क्यों बोले, इसको सर क्यों प्रीपोजिशनल फ्रेश बोले, ये सब चीज। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।